नमस्कार दोस्तों। मम्मी नमस्ते, पापा जी नमस्ते। पापा जी अपनी बेंच बिछा रहे हैं एक्सरसाइज वाली, और दोस्तों बबलू भाई चले गए हैं बच्चों को छोड़ने नाश्ता करके, और मैं भी नाश्ता करके नीचे आ गया हूं। अब जो है गोबर प्रसाद भर देते हैं, फटाफट रली से लिए चलते हैं, जुताई करेंगे आज। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हवा सी है, फटाफट भरते हैं बुग्गी में। दोस्तों सल्ट तार लिया है, लिए चलते हैं। सुबह से 50 बार रैंक चुका है मेरी तरफ, ले कर चलते हैं। ये नेड़ा बांध दिया है, नहीं तो ये गड़बड़ कर देता। दोस्तों अब वहाँ से उसे 3-3 बार जोत के, किसी कोई खूट 4 बार जोतना पड़ा है, कोई 3 बार, क्योंकि दोस्तों जैसा कि पहले भी हमने वीडियो में बताया था कि जोता जोता हमारा आने में करीब 15-20 दिन लेट हुआ। एक हफ्ता तो पूरा ही लेट हुआ, क्योंकि डबल ट्रिपल पानी आ गए थे तो घास जो है ज़्यादा हो गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, अब इसका खाद भी लगेगा। अब यहाँ आकर जोटा छोड़ बबलू भाई और हम जो है रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे चलते चलते हम थक लें। डॉक्टर ने बताई थी 2-3 किलोमीटर चला करो, हम चल जाए 5-7 किलोमीटर। और दोस्तों जैसे बुग्गी नहीं है या फिरक भी नहीं है तो इसके साथ पैदल ही आना पड़ता है। बड़ा अच्छा मन लगता है ये किसी किसी बहाने से, क्योंकि कटड़ा तो हम रात भी रात को ही खोल रहे हैं। बारिश से भरी थोड़ा बहुत भगाना है, गाँव में कोई नाटक अभी जो है जुड़ नहीं रहे, कहीं मौका नहीं लग रहा। कटड़ा जो है आकर बंद गया भैंसा अपना, ये पेड़ में अपनी खुजली कर रहा है। तो दोस्तों यही है कि सुबह शाम करके थोड़ी थोड़ी, क्योंकि एक टाइम में ज़्यादा नहीं जोत सकते। अभी ये भी थोड़ा कमज़ोर सही है और हम भी इसके पीछे चलते हुए थक जाते हैं। तो दोस्तों यही है, थोड़ी देर बैठ के यहाँ आराम कर रहे हैं, और बाकी अभी थोड़ा पानी वानी बदल के चलेंगे। अब थोड़ा सा जो है, एक भाई ने बड़ी अच्छी जो है मोथे की और जो है कोर पर जो दवाई लगाई जाती है घास की, वो लगा रखी है, तो एक बार उसे देख के आते हैं। अगर वास्तव में ही गन्ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो, क्योंकि दोस्तों जुताई जब भी करनी है हमें, गेहूं वाले में जब भी करनी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि चाहे 10 खुड्डों में लगा के देख लो, इस दवाई का हल्का सा डेमो लगा के देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही करेंगे, अगर देख कर अच्छी लगी तो आधे खेत में लगा देंगे उसका और आधे में जुताई कर लेंगे। तो दोस्तों उसका दोनों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमें कि किस तरह का प्रभाव रहता है। तो दोस्तों आराम करके थोड़ा सा पसीना सूखा के चले चलते हैं, दिखाते हैं आपको। दोस्तों बबलू भाई चल दिया मोटरसाइकिल लेकर, और मैं भी जोटा लेकर चल दिया हूँ, पानी पिला दिया था इसे यहाँ। और ये देखें जो पापा जी ने वीडियो डाली थी, जो ये RX मॉडल का 42 है 45 है 42 सोनाली का RX 42, और इसे जो है चेक कर रहे हैं भाई लोग जो है। अरे ये गांव बाहर आके जो है बंद हो गया था, तो जैसे जो भी आता है वही सेल्फ मार के देखता है, जो भी आता है वही सेल्फ मार के देखता है। तो ट्रैक्टर बहुत बढ़िया कंडीशन का है, लेकिन इसकी बैटरी खड़े खड़े की डाउन हो गई थी। तो उस भैया ने कई बार कहा होगा इसकी ताऊ जी वीडियो डाल दो, तो उसने भाई ने स्वराज 735 तो अंकित भाई को बेच दिया था 1.25 लाख रुपए का। और अभी RX मॉडल का है, बहुत बहुत बेहतरीन ट्रैक्टर है। तो अभी ये इसे स्टार्ट करेंगे धक्का मार के, जो पार्टी से देखने आई है, और मालिक भी साथ में दिखा रहा है। मालिक को तो खैर बेचारे को थोड़ी उम्र में पैरालिसिस हो गया था, वैसे अब ठीक है। और ये देखा छोड़ छोड़े, वाह 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 वा। तो बहुत बढ़िया स्टार्टिंग है ट्रैक्टर का, और बहुत ही बेहतरीन, ये शायद नंबर बाहर का है। और पार्टी आ रही है आज, इस पर 2-3 जगह की पार्टी आ रही है इसे देखने। तो बेचारा बिक जाए उसे 2 रुपये अपना, क्योंकि अब तो उसने बाद में तो ये कोशिश कर ली थी कि ये जो है 2 लो चला जाए तो बढ़िया हो, कम नीचे ऊपर नीचे चला जाए। अब देखते हैं कितने का सेल होगा ये ट्रैक्टर। बढ़िया कंडीशन है, RX मॉडल है। चल बड़ा चल मस्ती में चल, लेकिन दोस्तों चेक करने वाले ऐसे हैं, इन्होंने पीछे को ही हमारे खेत में तार दिया था, आगे को वहाँ इंटो चढ़ा दिया, फिर ये बंद कर दिया। पता ना ये चेक करने वाले तो क्या ही तो चेक करे, इनका तो हमें आज लो इनका कुछ हिसाब पता चला नहीं, पता ना कैसे तो मेरे यार चेक करे हैं, क्या चेक करे हैं। चलो भाई चेक करने पर ही हुआ है दोस्तों, अब हम चले चलते हैं फटाफट, हमें जाना है दोराला, जो है जो उन्होंने भैया ना बायोटेक्निकल जो दवाई अपने खेतों में लगाई है गन्ने की, जो उसमें मोथार घास एकदम से ख़त्म हुई है। क्योंकि दोस्तों अगर खुरपा भी करवाते हैं तो आप देखें बहुत ज़्यादा अमाउंट बैठता है, और बड़े पैमाने पर खेत में करीब 5 बीघे में 100 गठिया घास ले जाते हैं, वो आपके खेत से उग रही है ताकत लेके, तो वो खेत में जुतनी चाहिए। तो उसका बेनिफिट यही है कि खेत में जोती जाए। तो अभी ट्रैक्टर कचड़ा जो है अपना मस्ती में है, अब इसलिए चलते हैं फटाफट। दोस्तों पहुंच लिए हैं घर, चलो 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 बेटा अंदर चलो, अभी यहीं बांध देंगे तुम्हें थोड़ा सा,
थोड़ी देर यहीं बांधेंगे, उधर धूप न्यार पानी यहीं 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 बैठेंगे, थोड़ी देर यहीं बांधेगा छाया में। तो सवाल लिए हैं घर से लेकर यहाँ देखें एकदम से खड़ दू खाना। बबलू भाई ने आके मोटरसाइकिल स्टार्ट करी, खड़ी करी या बंद करी, एकदम से ड्यूटी चालू, क्योंकि मम्मी का भी कम आराम है, थोड़ा हाथ में मम्मी के चोट लग गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। अब दोस्तों फटाफट चले चलते हैं, इसे बांध गए। अच्छा न्यार पे बहुत जोर करे एकदम से, तो जहाँ मैं चलना था एकदम से नहीं चल पाए क्योंकि पशुओं का काम आपने देखा, बबलू भाई आते लग गए थे मोटरसाइकिल खड़ी करके, लेकिन फिर भी जो है जोटा मानना नहीं, धूप में बंद के मानना, यहाँ छाया में बांध दिया था गेट के पास में, लेकिन बराबर दंगा करता रहा बता रहा। तो दोस्तों धूप में ही चल के आया, अब ये थोड़ी देर में इसके यहाँ परछाई आ जाएगी, तो जो है खोर भर के सन्नी कर दी है इसकी बढ़िया, एक बाल्टी इसका रत्तब जो है डाल दिया है, और फिर इसकी देखा देखी ये भी नहीं मानना, इसने भी अपनी सन्नी करवा ली बाकी कर दिया है, नहीं तो दोपहर में आकर करना पड़ता फिर, तो सुबह हो गया था फिर अब भी थोड़ा सा करना पड़ा है, फिर अब दोपहर में करना पड़ता, अब शाम को ही करेंगे इन्हें। तो दोस्तों फटाफट हाथ पैर धो के ही चले चलते हैं, नहाने का टाइम नहीं है। दोस्तों नहा लिए हैं, कपड़े पहन लेते हैं, दोस्तों कपड़े पहन लिए हैं, चले चलते हैं फटाफट। बोलू भाई के साथ में काम है, वो खेत भी देखना है, आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों कंपनी जो है गारंटी ले रही है कि बिल्कुल भी किसी भी तरह का ज़मीन को और आपकी फसल को नुकसान नहीं होगा, आप उसका डेमो ज़रूर ज़रूर लगाएं करें, बहुत ही अच्छा जो है प्रोडक्ट है। तो दोस्तों अभी जो है हमारा, जैसे आपने देखा झोटा लेट हो गया था, पावर वीडर नहीं आया ट्रैक्टर का, जो वो 42 इंची का रो वीडर का ऑर्डर दे रखा है, 2 रो वीडर जो था वो भी नहीं आ पाया। तो दोस्तों झोटे से हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने फरवरी में गन्ना बो दिया था दोस्तों वो तो मिट्टी विट्टी चढ़ा के फिट होगी, उन्हें तो उनकी मेहनत को उनकी होशियारी, क्योंकि दोस्तों अगर पहले गर्मी पड़ रही है तो बाद में बारिश जरूर आएगी, ये बिल्कुल क्लियर है। पछवावा चल रही है तो बारिश लेट है, तो जनवरी में दिसंबर में जब भी गर्मी पड़ती है समझ लो कि अगले महीने या उससे अगले महीने बारिश आनी है, तो बहुत बढ़िया। किसी किसी के खेत बिगड़े, जैसे हमारे लेट होगी नए बीज लाने के चक्कर में, तो दोस्तों ऐसे ही होता है दूसरे के भरोसे, तो फिर दूसरे का ही काम हो जाता है, अपना नेता मर्जी का, यानी गन्ना यहाँ तक आ जाता है अब तक फरवरी का बोया हुआ। तो दोस्तों अगर हो गया है लेट तो कोई दिक्कत नहीं है, चल रहे हैं, समाधान हर चीज़ का है, हो जाता है देर सवेर, चल रहे हैं फटाफट दोस्तों। कैमरा देखते हो तो पापा भी चौकस हो जा। दोस्तों आ जाओ, आप भी पपीता खा लो, मम्मी ने पापा ने खा लिया, और बबलू भाई और मैं चले चलते हैं फटाफट, जो वो खेत भी देखना है। और दोस्तों थोड़ी नस्ल अपनी सुधार कर लिया, जूते ये धू गए थे इन्होंने गन्ने डाल ले। दोस्तों ये लोकल ही हैं के डी एम के दोस्तों, इतने हेलीकॉप्टर जूते हैं बस क्या पूछो, जैसे हमारा झोटा ऐसे ही जूते हैं ये, इतने बढ़िया। चल दोस्तों ज़्यादा देर से धूम करें, सारी खत्म करेगा, चल 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 सारी खत्म करें, छाया में खड़ा हो जा। दोस्तों अब छाया आ गई है इसके ऊपर थोड़ी सी, चले चलते हैं, गेट खोल लेते हैं, टिंग टोंग। दोस्तों फिर बच्चे आ जाएंगे, अब बज गए हैं 12। ओहो ये बिच्छू पिक्चर की तरह जब इतने लॉक लगा रखे हैं तो टाइम तो लगेगा ही खोलने में, सारे बॉबी देवल हो रहे क्रिमिनल। दोस्तों ये बिल्कुल डरता नहीं, गाड़ी से बिल्कुल नहीं हटता। ओहो हो चलो जी भैया काटो जी, ये तो कटड़ा भी गाड़ी में बैठने कर रहा। 12 की चाबी लूं, पापा एक बार गेट लगाओ आके। दोस्तों चले चलते हैं आगे, लुकाड़ो 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 लुकाड़ो, यो मारी आ गई क्या? अच्छा बढ़िया करा। तो दोस्तों चूरी चोकर भी आ गया है साथ के साथ ही, भैया उतरवा देगा पापा के साथ में, भैया रोक ले तो मैं दुराले पहुंच जाऊँ इस तरह। दोस्तों अभी उतार देंगे चूरी चोकर, फटाफट चले चलते हैं, वेरी गुड सूसू आ गए तुम। लेकिन यार यहाँ पेपर पे पैर रखते हुए अजीब सा लगा है बहुत, पता नहीं क्यों लगा मैं गाड़ी ऊपर, गाड़ी में मैं ठा दी लम ना कंधे पे धर ली। बोलो भाई कितने पैसे लगे थे? 7,500 251 रूपए। ओ माई गॉड, 150 मेरे खाने के, 70 रूपए किराया लगा। मेरे यार तेरी खुराक कम है तो गाड़ी की ज्यादा है, हमारा कटड़ा जो है 250-300 रूपए बिका की जो उतरा एक दिन में जो होता है 1,000-1,500 की, वो भी कम खा रहा है इस गाड़ी से। तो दोस्तों आप जितनी फैसिलिटी बढ़ाओगे ना, जितने भी साधन कर लोगे उतने खर्चे बढ़ जाएंगे, इसलिए अपनी कमाई बढ़ाओ, कमाई 10 तरह का काम करो, जब जाके काम चलेगा। चलते हैं दोस्तों फटाफट तो अब जो है महादेव वाले रास्ते पे चल रहे हैं, सीधा मील पहुंच रहे हैं दोराला। ये देखें चेयरमैन साहब का ये गन्ना था, ये 4 मार्च को बोई गई थी शायद, ही मिट्टी चढ़ गई है इस पे, और ये घिमों का चल रहा है, और सामने वाला लेवर भी खोद रही है,
काफी अच्छे किसान है हमारे क्षेत्र के। और दोस्तों ये ट्रिक भी बढ़िया है नेड़े खुड्डों की, के जुताई करके एक बार पानी दे के गन्ना बो के और अपना मेड़ा लगा दो तो बहुत अच्छा शुद्ध गन्ना। लेकिन दोस्तों देखो इस पेड्डी में कितना भयानक कीड़ा है, ये बिल्कुल खत्म हो रही है पेड्डी, वैसे हाथ निकलवाया इन्होंने। तो देखें दोस्तों ये वो नया बीज है, इसका हम बीज लेके थोड़ा सा बो नहीं पाए, बहुत अच्छा बीज है ये भी अर्ली का। तो लेकिन वैसे किसान भाई 38 के मुकाबले हर बीज को कम ही बताते हैं कि ये कम निकलता है। तो दोस्तों अब हम आगे पहुंच लिए हैं और ये रविंदर भाई जी का खेत है दुराले में, और इसमें देखे मैं एक बार उतर के भी दिखाना चाहूंगा आपको के दिखा दे बस। ये यहाँ से जूम कर दूं दोस्तों, ये देखो ये इन्होंने दवाई लगाई है इसमें कोई स्प्रे की, और बहुत बेहतरीन गन्ना उठा रहा है, बहुत बढ़िया। गन्ने पे कोई फर्क नहीं, मतलब गन्ने पे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा, और बहुत बेहतरीन घास कंट्रोल हुई है। क्योंकि दोस्तों छोटे गन्ने की बहुत ज्यादा आप जुताई नहीं कर सकते, और बहुत बड़े खेत में बहुत ज्यादा लेबर लगती है। तो अब इसका ये देखेंगे ये दवाई जो इन्होंने ली है कौन सी दवाई लगाई है, क्या है इसका पता करेंगे, या किस किस तरह से मिला के इन्होंने कंपोजिशन बनाया है इसका, बहुत बहुत बेहतरीन। और दोस्तों अगर दवाई करने से थोड़ी सी बढ़न भी गन्ने की मरती है तो उससे बेनिफिट ये है गन्ना ब्यांत कर जाता है। तो ये देखें पूरा ही चक है इनका, है ट्वेल है ट्रेन से बोरा, और ट्रेन से बोया है इन्होंने गन्ना, बहुत बहुत बेहतरीन। ये देखें कितना अच्छा गन्ना चल रहा है ब्यांत करके, गन्ने में बिल्कुल कोई फर्क नहीं, बिल्कुल बहुत ही शानदार। ये देखे अभी मोटा है, ऐसा था कल तो देखो ऐसा था जैसे ये डोल है बीच में, ये देखें ये देखें ऐसा था ये बीच में से, फिर इन्होंने जुताई करवा दी इसमें हल्की हल्की, इधर जुताई ना हो रही है अभी, तो इतना इतना बेनिफिट मिला खेत को कि घास डाउन होगी और जो है ये ऊपर गन्ना निकल गया बहुत बढ़िया। तो अभी इसे देखते हैं कि ये इन्होंने किस तरह से करवाई है और कैसे कैसे हुआ है इसका अभी पता करेंगे। तो आगे आते हुए इस खेत में बोलू एक बार सिलो करो दोस्तों, इस खेत में भी अभी इन्होंने जुताई चालू नहीं करी है, इन्होंने बो के मेड़ी मार दी थी, बारिश पड़ती रही गन्ना उग गया। देखो सामने दोराला गांव है और इधर ये शमशान है, इधर यहाँ सामने फिर ये रेलवे लाइन है। तो खेत की लोकेशन देखते हैं आप गन्ना कितना बेहतरीन होगा, और जो इन्होंने घास की दवाई लगाई बिल्कुल भी कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं है, देखते हैं कितना बेहतरीन गन्ना और गन्ना ब्यांत पचल पड़ा है और घास एकदम से डाउन हो गया। इसका मतलब जो गन्ना हार्ड होता है और घास थोड़ी हल्की होती है, तो उन्होंने दवाई ऐसी बनाई है कि हार्ड नहीं है हल्की है, डाउन कर रही है, बुरी तरह फूंक नहीं रही है, बहुत अच्छा। अभी जुताई करते ही खुदवाना भी नहीं पड़ने का, इन्हें बिल्कुल निखर हो गया खेत, बहुत बढ़िया। दोस्तों अब आगे चलते हैं पता करते हैं किस तरह की दवाई है क्या है। तो दोस्तों ये देखें सामने जो था ये जो छकड़े की लाइन की जगह थी, इसमें फिर ये गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली है और यहाँ इन्होंने अपनी सीमेंट की दीवार बना दी है बहुत तकड़ी। बाकी इसमें जो है पशु चरते थे तो जो गोचर की जो जमीन थी यही थी, अब नू मान के चलो और तो कहीं बची नहीं। फिर आगे दोराड़ा गांव आ गया है, आगे भी आपको दिखाते हैं फिर बाजार में पहुंच के काम पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों चलते चलते मील पे भी आ गए हैं, ये देखते हैं इधर हत्ता खाली पड़ा है, बाकी केमिकल जो के जो ट्रक हैं ये चलते रहते हैं, और बाकी कुछ नहीं है। हत्ते का गेट भी शायद मील का हत्ते का गेट बंद हो गया है क्योंकि अवैध जो काम हो जाता है। अब इसे धीरे से गाड़ी को जो है यहाँ लगा देते हैं 10 मिनट के लिए। दोस्तों वो बंद हो गया है गेट, उधर से ये गेट खुल रहा है, यहाँ बस यही बंद कर देते हैं। दोस्तों ये देखें हत्ते का गेट भी इन्होंने चिनाई करके बंद कर दिया है, हत्ते का गेट इन्होंने नीचे से चिनाई भी कर दी है, ये देखें टेम्परेरी चिनाई करके जो अवैध पार्किंग ना हो किसी भी तरह की, और इधर से भी ये दोनों गेट बंद कर दिए हैं यहाँ से भाई, ये अपने आने जाने के लिए रखा है। लेकिन दोस्तों जब मील बंद हो जाता है फिर यहाँ मन नहीं लगता, दोराड़ा बाजार में कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। ये देखें पूरा बंद हो गया, बस अब यहाँ गार्ड रहेंगे और ये गाड़ी भी यहाँ खड़ी नहीं करने देते, आगे ले जानी पड़ती है। बबलू भाई चले गए हैं कुछ सामान लेने, तो सब बबलू भाई आ गए थे, गाड़ी स्टार्ट कर ली। और ये देखें ये वो मील की लाइन है बंद हो गई है, इन्होंने अंदर भी दीवार कर दी है, कभी कोई फाटक जो है खोल के रात बिरात को यहाँ अवैध पार्किंग कर दे। और बाजार में जाम लग रहा है, बताओ गन्ने का सीजन नहीं है जब भी जाम लग रहा है। और दोस्तों यहाँ खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया है, लोकल बाजार है गामों का, हो ना हो 20-25 गामों का तो होगा ही, ज्यादा का भी हो सकता है, इतने बॉन्ड है मील पर। और हाँ तो नहीं गम होगा तो फिर तो कई सौ होगी, फाटक की बंदिंग कोई बात नहीं लगाओ कहीं को जाके, फाटक कहाँ बंद हुई। और हाँ होगी भाई, इधर को निकले ना, निकले ना, निकले निकल जाएगी, काट दो 80 में चलो मोड़ लो। दोस्तों आगे फाटक बंद हो गए हैं,
एक बार बैक होगी होगी होगी, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब घुमा के हमें फ्लाईओवर के ऊपर को लानी पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि फाटक यहाँ आधे घंटे से भी ज्यादा बंद रह जाते हैं, क्योंकि स्टेशन बराबर में ही है तो आधा घंटा भी बंद रह जाते हैं। इसलिए हमें जल्दी है, थोड़ी बच्चे आ जाएंगे क्योंकि बच्चे आने लगे हैं। ये देखें बच्चों का टाइम होने वाला है, बच्चों के स्कूल चल पड़े हैं, तो ऊपर से आएंगे अब हम। अब जो है फ्लाईओवर से नीचे उतर लिए हैं, आगे आ गए हैं, क्योंकि फाटक कभी कभी जैसे स्टेशन नजदीक है दौरा लेगा तो काफी देर तक फाटक बंद रह जाते हैं। अब बच्चों की छुट्टी होने लग गए है, हमें भी जो है करीब 1:45 बच्चे आ जाते हैं हमारे, तो उससे पहले पहले हमें पहुंचना पड़ेगा। अभी करीब 12:30 बज रहे हैं, 1:15। तो यहाँ देखते हैं काफ़ी अच्छे फल भी मिलते हैं यहाँ, और दोराड़ा का बाज़ार फ्लाईओवर बनने के बाद में और भी अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया। ये इधर मुजफ्फरनगर की तरफ देहरादून की तरफ निकल रही है रोड, सामने फिर इधर बिजनौर की तरफ जा रही है लावड़ से होते हुए, फिर इधर मेरठ पहुँचती है, इधर मुजफ्फरनगर से आ रही है। ये देखें ये मेरठ जा रही है इधर, ये सामने हमारे बिजनौर की तरफ जाती है मवाना बार बार होते हुए। दोस्तों यहाँ आ गए हैं जो लावड़ रोड पे मार्केट है भैया की, हरियाणा बीज भंडार पे, अब उतर लेते हैं। दोस्तों ये अलग घोलनी है, ये अलग घोलनी है, और पूरी टंकी भरने के बाद ये डालनी है। पूरी टंकी भर हाँ, ये अलग गोलनी, ये अलग गोलनी, दोनों का एक एक डिब्बा डाल के अब टंकी भर के भरी हुई टंकी में फिर ये डालनी है। ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया। खेत में नमी रहनी चाहिए। दोस्तों जैसे यहाँ है दुकान पे, तो यहाँ अपने भैया मिले, तो यहाँ भाई तो खैर सारे ही अपने प्रेमी भाई है, लेकिन भैया मिले हैं। नमस्कार जी भैया। नमस्कार भैया, थोड़ा नाम परिचय हो जाए इसमें। मेरा नाम योगराज राठी है, गाँव बड़कली है। अच्छा, तो भैया आप भी दवाई लेने पहुंचे? जी भैया। तो भैया किस चीज की दवाई लोगे? भैया खरपतवार के लूंगा मैं। अच्छा, मतलब ज्यादा हो रहा है इखों में जी, तो हल्का डाउन हो जाएगा? हाँ, तो साफ हो जाएगा। अच्छा, साफ हो जाएगा, फिर अपना जुताई कर दोगे? फिर कुछ नहीं करना। अच्छा, आगे नहीं करना कुछ भी? अच्छा, उसमें कुछ नहीं करना, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अगर आप दवाई संभाल का कर लें, आपको जानकारी है, किसानों को आपस में एक दूसरे को बताना चाहिए, अगर बताते नहीं, बहुत आज भी 90% दिक्कत यही चल रही है कि किसान आपस में बताते नहीं किसी को, लेकिन बताना चाहिए दवाई किस टाइम मारनी है, सुबह को करनी है, खेत गिल्ला करने के बाद करनी है, सूखे खेत में करनी है, तो ये चीज़ें बतानी चाहिए आपस में। हमें भी खैर यहाँ के काफ़ी बातों का पता चला, तो अभी दवाई लेके चल रहे हैं, FMC की दवाई ली है गिलार्डो, तो अभी देखते हैं क्या रिजल्ट है उसका, थोड़े खूट छोड़ देंगे, थोड़ों में करेंगे। तो दोस्तों देखें दवाई तो खैर यहाँ भरी पड़ी है, लेकिन चौक सही है, साइंस ने खैर काफ़ी तरक्की कर ली है। तो ये देखें भाई भी अपने सारे साथ में ही हैं हाजिर। और सब बढ़िया? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यही अपील है कि जो चीज़ अपने आपको पता हो वो दूसरे को पता जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा जी, राम राम जी। यहाँ से चल पड़े हैं, काफी अच्छी बातचीत हुई, देखा आपने, किसान बड़े खुश हुए, काफी बातें आपस में एक दूसरे को बताई। प्रसिद्ध पैंट लगेगी दोराड़ा, उनको दोराड़ा लावड़ रोड पे इतनी तकड़ी पैंट लगती है कि यहाँ मोटरसाइकिल भी निकलती नहीं, लेकिन क्षेत्र में सभी में आपस में इतना भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है, कि एक दूसरे को हंस के ही बोलते हैं। और दोस्तों यही चीज होनी भी चाहिए, कुछ नहीं रखा गुस्सा दिखाने में, हो जाता है कभी कभार, लेकिन फिर भी प्यार मोहब्बत का ही जो रिश्ता है वो बढ़िया है। तो दोस्तों आगे चल पड़े हैं, दोस्तों गाड़ी लगा दिए हैं लावड़ रोड पे, और ये देखें शौकीन किसानों का 241 मेसी है, और ये बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर पर पहुंचे हैं, और यहाँ क्षेत्र के काफ़ी नामी किसान अड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं, और शौकीनों के शौकीन सिवाय के किसान भी यहाँ मिले हैं। नमस्कार जी, राम राम जी। और ये सुपर स्मार्ट अपने भैया भी हैं, और देखें तो भैया इसमें थोड़ा नाम परिचय हो जाए इसमें। अतुल चौधरी नाम है मेरा। अच्छा जी, BLF सेंटर है, बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर। जी जी भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या ले रहे हैं भैया? आए थोड़ा न्यूट्रिएंट वगैरह लेने आए हैं, सागरी का सल्फर वगैरह। अच्छा अच्छा, मैं तो न्यूट्रिएंट से नहीं सोच रहा था, मैं कभी दंड बैठक मारने वाला जुगाड़ ले रहा हूँ। बिल्कुल, वहीं आना पड़ेगा, वहीं तो मैं खड़के पानी पर, उस पर ही आना पड़ेगा, छाए पे ही। तो दोस्तों देखे TV भी चल रहा है, समाचार भी साथ के साथ में चल रहे हैं, और दोस्तों बहुत ही बढ़िया, यहाँ काफ़ी ब्रांडेड चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ, तो थोड़े सा सामान यहाँ से भी लेंगे। और देखें दिक्कत फिर वही होगी, गाड़ी फिर धूप में खड़ी है, और फिर उसमें 400 टेम्परेचर झेलना पड़ेगा जाकर। दोस्तों DAP नहीं मिली है हमें, एक कट्टा DAP का लेना था,
तो अब की बार हम बहुत थोड़ा थोड़ा सामान यूज कर रहे हैं और उसका बेनिफिट भी है कि कॉम्पोजिशन बना रहे हैं, बिल्कुल धेमार नहीं कर रहे बहुत। जो डोज लगानी है वे तो लग गई हैवी डोज, अब हल्की हल्की दवाई कभी घोल दी कभी कैसे गेर दी। तो अब दोस्तों घर चले चलते हैं, बच्चों का टाइम हो गया है फटाफट। दोस्तों रेलवे लाइन फाटक पार कर दिया है पीछे से, ये देखें फिर दोबारा से मील के सामने से ही निकलेंगे। जय बजरंग बली। दोस्तों जो मील के हत्ते में से ट्रॉली में से आप देखते थे, ये बजरंग बली का सामने से मंदिर है, ये हत्ता था, ये सब दीवार वार करके बंद कर दिया मील ने। मील का भी अपना एक नियम है दोस्तों। अब भी यहाँ फाटक बंद है यार, पीछे से जो है ट्रेन आ गई है धाएं धाएं, लेकिन हम फिर भी हम सीधे निकल गए थे, जाती पर भी और आती पर भी हमें सीधे ही आना पड़ा बार बार, क्योंकि फाटक जो है अपने हिसाब से फिर ट्रैफिक को रोक लेते हैं। और ये देखें देसी बछड़ा पूरा भयंकर तैयार हो गया है, ये वही पुरानी नस्ल का है लाल वाला लाखा। चले चलते हैं, बच्चे आगे होंगे। दोस्तों मैं बाहर आ गया था, आगे हैं दोस्तों, फटाफट जाना पड़ेगा, बच्चों का टाइम हो गया है, एक ही सेकंड में बस एक घूंट पानी पी के चल रहे हैं, बैठा रहे इतना बेसब्र है, सारी सानी खा गया, सांस नहीं आ रहा। पापा जी नमस्ते, मम्मी जी नमस्ते, बस बस भाई छोड़ दे, बस बस ऊपर ना चढ़ावे बबलू, हल्का सा क्लिच छोड़, पीछे आ जाएगी माड़ी सी, हल्का सा क्लिच छोड़, बस बस अब लगा ब्रेक। कई बार ऐसा छोटे सरकार गड़बड़ कर दें, कभी पीछे को बगिया हुआ है। तो दोस्तों मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लेते हैं, फटाफट चलते हैं बच्चों को लेने। दोस्तों जब भी आते हैं ये जरूर खड़ा होता है, सलामी देता है हमें, आ गए हैं, बच्चों की छुट्टी हो गई है, बच्चों की छुट्टी पड़ गई है, क्रीम रोल खाते हुए आए हैं, हेलो करो हाथ जोड़ के। तो दोस्तों चलते हैं, कपड़े बदल लेते हैं और खाना खा के आराम करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं शाम को, आप भी खाना खा लें।